प्रिय शिक्षार्थियों आपसे एक सप्ताह पूर्व हमने ज्ञानवाणी पर बातचीत की थी जिसको ज्ञान दर्शन में भी प्रसारित किया गया था डियर लर्नर्स आई है स्पोकन टू यू ए वीक बैक ऑन ज्ञानवाणी विच ऑज ऑल्सो लाइव टेलीकास्ट ऑन द ज्ञान दर्शन ऑल्सो हम आपसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक टू यू इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एज वेल एज हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल स्टे सेफ एंड ऑल्सो आई ऑन योर बिहाफ एंड ऑन बिहाफ़ ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉम्प्लीमेंट दिन एफ़र्ट्स मेड बाई अवर कोरोना वॉरियर्स सबसे पहले मैं आप सबको स्वस्थ रहने के शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ अपने जो कोरोना योद्धा हैं उन कोरोना योद्धाओं के प्रयासों के भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सराहना करता हूं आप सबको मालूम होगा कि आज बारह बजे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी आप सब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जिसमें आप उनसे व्यक्तिशाह अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातें सुन सकते हैं और समझ सकते हैं यू ऑल माइड बी नोइंग डेट टुडे ऑनरेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इज़ इंटरेक्टिंग विद यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू कैन इंटरेक्ट विद हिम यू कैन शेयर योर कंसर्नस यू कैन लिसन टू हिम हिज ओन थिंकिंग अबाउट दिस होल एपिसोड होल कोरोना वायरस एफेक्ट ऑन एजुकेशन करोना वायरस के एफ़ेक्ट को जो प्रभाव है एजुकेशन पर उसके बारे में भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले और हम सबको निश्चित रूप से ऐसा लग रहा होगा कि पिछले दो महीनों में हम सब चिंतित हैं तनावग्रस्त हैं और जिन परिस्थितियों में हम लोग अपने घर पर रह रहे हैं या घर के बाहर के वातावरण को देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तनाव का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस संबंध में भी आपसे बात करने तो दो प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं एक तो तनाव मुक्ति के संबंध में बातचीत और दूसरा कोरोना संक्रमण इसके संबंध में जो आपको प्रश्न हैं उन प्रश्नों की है भी शांत करना ये दोनों ही कार्यक्रम आपके ज्ञानवाणी और जो ज्ञानवाणी के बाद ज्ञान दर्शन से लाइव प्रसारण होता है उसके द्वारा किए जाते हैं you know that this is an unprecedented situation and you are having a lot of stress in your mind because staying at home, looking at the environment, listening to so many uh, adversities, and then you feel distressed also. for that, indra gandhi national open university has come forward to address two uh, regarding the stress management and the covid-19 issues. Uh, we are having daily, or in case of stress management, it is the twice in a week interactions, and your questions and they are being answered by your experts, and then subsequently, it is also being made live through Gyan Darshan. And every day, we are getting around 30 to 40 calls in this context. Pratidin, Uh, लोग अपनी बात कहते हैं और उनके प्रश्नों को उनके जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाता है एवरी डे वी रिसीव अराउंड थर्टी टू फोर्टी कॉल्स इन दैट स्पैन ऑफ वन एंड हाफ आवर्स एंड एफर्ट्स आर बी मेड टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज एंड द प्रॉब्लम्स आप सबको uh, पिछले एक माह से चिंता रही होगी कि हम लोग की जो जून एक से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही थी उसके बारे में क्या स्थिति है और इसके बारे में बार बार आप लोग विश्वविद्यालय से पूछ रहे थे कि इस संबंध में विश्वविद्यालय का क्या, क्या रुख है फॉर द लास्ट टू मंथ्स यू आर एंक्शस एनफ टू फाइंड द शेड्यूल ऑफ द जून एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड यू आर वेटिंग दैट वट विल बी द स्टेटस ऑफ द जून ट्वेंटी ट्वेंटी एग्ज़ामिनेशंस अभी आपने ये देखा कि पूरे देश में लॉकआउट सत्रह लॉकडाउन सत्रह मई तक बढ़ गया है ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक जून से निश्चित रूप से लॉकडाउन के बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करने पड़ेंगे उसको ध्यान में रखते हुए एक जून से निश्चित रूप से परीक्षा कराने में कठिनाई आएगी और इसी बीच में कुहाड़ समिति जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं उसके तहत भी ये कहा गया है कि परीक्षाएं जुलाई माह में कराई जाएं, और इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने 1 जून 2020 से जो परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी उनको स्थगित कर दिया है और ये बताया है कि जो अगली परीक्षा की तिथि होगी उस परीक्षा को प्रारंभ होने से पंद्रह दिन पूर्व आप सबको बता दिया जाएगा यू माइट बी एंशियस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द लास्ट टू मंथ्स एंड इन बिटवीन द कोहार्ट कमेटी हुज रिकमेंडेशन वर एक्सेप्टेड बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इट हैज ऑल्सो सजेस्टेड टू हैव द एग्जामिनेशन इन जुलाई एंड द लॉकडाउन इट इज एक्सटेंडेड up to 17th may and thereafter also the uh, physical distance the social distance or the physical distance whatever you may call uh, this will require a further uh, time for you all to come forward and appear in the examinations looking at all these scenario the university has decided to postpone the examinations of june 1 2020

उपलब्ध करा देंगे आपको शायद यह भी मालूम होगा कि विश्वविद्यालय ने आपकी सुविधा के लिए असाइनमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में जमा करने की अनुमति दे रखी है और कई जगह पर आपको इस संबंध में दिक्कत भी आ रही है तो हर स्थान पर क्षेत्रीय केंद्र अपने इस व्यवस्था के संदर्भ में वो अलग अलग ईमेल्स बना रहे हैं जिसके द्वारा आप उनको उस सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएं और इसके साथ ही साथ हमने चूँकि 31 मई तक असाइनमेंट्स सबमिट करने का डेट बना रखा है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस बीच में आप लोगों ने यह भी कहा था कि कागज़ आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उस संबंध में भी हम लोगों ने मंत्रालय से बातचीत किया और आपको मालूम होगा कि शायद स्टेशनरी की दुकानें अब पूरे देश में खुल गई हैं जिससे आप कागज़ खरीद सकें लेकिन फिर भी जो लॉकडाउन के बाद सत्रह मई के बाद आपके पास फिर भी समय है इकतीस मई तक हमने यह डेट बढ़ा दिया है इसके तहत आप अपने असाइनमेंट्स को जमा कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों ही तो ये विकल्प आपके पास अभी भी बना हुआ है यू माइट बी नोइंग अबाउट द पोजिशन रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स एज इट वॉज बी टोल्ड टू यू अर्लियर दैट यू कैन ऑल्सो सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड सॉफ्ट कॉपीज़ but there were some difficulties uh, regarding the issue also and we have raised mainly two issues one is regarding the availability of paper and other one is regarding the uh, loading of those uh, assignment uh, pdf in both the cases we have tried to look into the both issues and uh, regarding the paper availability uh, we have made a request to the government and the government has permitted to open the uh, bookshops, the relatively wherever the stationary shops, the papers are available. and secondly, the uh, soft copy, wherever it is very difficult to load. there also we are making alternative arrangements so that you can have those soft copies loaded on the uh, mail. Uh, after 17th of may, you can also submit your uh, copies in hard also and to the regional centers. So, that will not be an issue. So, that is why we have extended the date up to 31st of uh, May. Uh, I know that you all are working hard and you are looking at the e-resources also. And for the e-resources, you might be knowing that we are having e-gyan course which is with us. And e-gyan is, course is having the reservoir of all our courses and they are in the soft copy. Even if the hard copy that you could not get it, the soft copies are also available in this uh, context. You can look into it and again you can see that there is a, a app also, uh, Google app of uh, IGNU, wherein the soft copies of this material it is also can be downloaded and more than 5 lakh students they have used this facility and thereby they can have their material loaded in their uh, app also. In both the cases the soft copy is available and further the hand the हार्ड कॉपीज आर ऑल्सो बिंग सेंट टू यू ऑल अराउंड 90% परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गॉट इट ऑल्सो हमने आपको uh, ये भी बताया था कि जब आप असाइनमेंट्स uh, तैयार कर रहे होंगे तो आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी और इस मटेरियल हेतु uh, आपके पास दो प्रकार के व्यवस्थाएँ हैं एक तो आप ई ज्ञान कोश जिसके तहत सभी विषयों के uh, पाठ्य सामग्री ई फॉर्म में है और दूसरा इसका एक ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं लगभग पाँच लाख छात्रों ने इस ऐप का प्रयोग किया है तो दोनों ही दशाओं में आप उस ई कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं वैसे नब्बे प्रतिशत छात्रों को पाठ्य सामग्री की हार्ड कॉपी प्राप्त हो गई है लेकिन अगर किसी कारण से किसी को नहीं प्राप्त हुई तो सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं दोनों ही स्रोतों से उसका प्रयोग कर सकते हैं इसके अतिरिक्त आपको शायद एक मालूम होगा कि 25 मार्च 2020 को यूजीसी ने एक पत्र निकाला था जिसमें लगभग 11 ऐसे श्रोतों का जिक्र किया था जहां पर आपको ई सामग्री उपलब्ध है और वह परिपत्र आपको ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी गई थी उन इस रिसोर्सेज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा भी अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं यू माइट बी नोइंग दैट इन बिटवीन a letter was issued by the UGC on 25th of march wherein 11 uh, e resources they have been identified they include e pathshala swayam and also the uh, material available on the nptel and also cec so all those resources are available uh, on open domain you can download them you can see them and you can use those facilities also टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर एजुकेशन ज्ञान और अपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन सभी संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं असाइनमेंट्स की तिथि के संबंध में प्रायः कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है उसमें जो दिसंबर की परीक्षाएं हैं जिन लोग दिसंबर 2020 के लिए परीक्षा के अर्घ हैं उनके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है और जिनको जून की परीक्षा में बैठना है उनके लिए 31 मई परीक्षा की जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें प्राय इस संबंध में कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए मैंने आपको पुनः इस बात का जिक्र किया है कि इकतीस मई उन लोगों के लिए जो जून 2020 परीक्षा के लिए आ रहे हैं और जो दिसंबर 2020 के परीक्षा के लिए आ रहे होंगे उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन की डेट 20 30 सितंबर है यू ऑल माइट बी नोइंग दैट देर इज़ सम कन्फ्यूजन गोइंग ऑन रिगार्डिंग द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ़ द असाइनमेंट्स लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट्स एंड फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग इन द जून ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशनस द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स इज़ थर्टी फर्स्ट मे वाइल दोज हु आर एलिजिबल टू अपियर इन द जून ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन फॉर देम the last date for submission of assignments is 30th september so this is an important thing which you all have to remember there is it is very very clear uh, demarcation those who want to appear in june 2020 the last date is 31st may and those who want to submit assignments uh, for the january 2020 sorry uh, december 2020 for them the september 30 is the last date uh, इन बिटवीन वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड सम सजेशन्स फ्राम यू दैट सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दैट टू इन हार्ड बाउंड कॉपीज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सबमिट इन दिज सनेरियो मुझे आप लोगों की ओर से सुझाव प्राप्त हुआ कि इस समय जो हार्ड कॉपी में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप सबमिट करते हैं उनको सबमिट करने में तकलीफ़ आ रही है और इसके लिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि आप इनको यदि चाहें तो इसकी सॉफ़्ट कॉपी में भी जमा कर सकते हैं और उसके लिए भी विश्वविद्यालय और जो संबंधित विभाग है एक अलग से आपके पास कोर्स वाइज ईमेल भेजेंगे जिसके तहत आपको उन कोर्सेज़ के तहत उसी ईमेल में उस सॉफ़्ट कॉपी को जमा करना पड़ेगा इसमें आपको सुपरवाइज़र के जो हस्ताक्षर है वो भी ई मेल से ही करवाने पड़ेंगे तो ये जो व्यवस्था है सिर्फ़ आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप इस दौरान अपने घरों से नहीं निकल सकते हैं यू माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन सबमिटिंग द हार्ड कॉपीज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सो देयर फॉर द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू टू रीच यू एंड टू ऑन द बेसिस ऑफ योर सजेशन दैट द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स इट कैन ऑल्सो बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन एंड वॉट यू हैव टू डू हैट इट कन्वर्टेन टू पी डी एफ फॉर्म you can also take the signature of your supervisor uh, through email and those things that can be this is an option also you can have it hard copies after 17th of uh, may but if you have done it if you want to finish it earlier and you have completed that whole work then you can submit the same through hard copies also so this is also one more proposition which may help you to uh, uh, submit your project works टाइम बाउंड मैनर बाई यूजिंग दिस टाइम वेर इन यू आर एट होम चूँकि आप सब इस समय घर में ही हैं तो शायद इस दौरान आप बेहतर ढंग से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समय पर जमा कर सकते हैं फील्ड uh, वर्क के संबंध में uh, कुछ कठिनाइयाँ आप लोग को आ रही हैं और ये फील्ड वर्क uh, में जो फील्ड में काम करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें निश्चित रूप से कठिनाई आएगी उसके लिए विश्वविद्यालय ने संबंधित स्कूल्स को भी कहा हुआ है और परीक्षा विभाग को भी कहा हुआ है कि आप ऐसे काम को करें जो सेकेंडरी डाटा बेस्ड हो या इंटरनेट डाटा बेस्ड हो ऐसे प्रोजेक्ट्स के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करें जो आपके सुपरवाइज़र उसको देख करके उसको स्वीकृत करेंगे और उससे आपको इस कठिनाई का भी सामना नहीं करना पड़ेगा आई नो दैट यू ऑल आर फेसिंग इन Doing the field work, so therefore, in some instances, what we have proposed is that the field works it may be carried on, uh, it cannot be carried on under these circumstances. So therefore, you may go for the secondary database or the internet database to have that field work assignment completed within the stipulated time. And in both the cases, uh, the schools as well as the registrar SCD will help you. एंड इवन अवर रीजनल सेंटर्स दे विल ऑल्सो कम्युनिकेट यू द रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो भी इस संबंध में उपयुक्त जानकारी है वह आपको उपलब्ध कराएंगे आप सबको शायद यह मालूम होगा कि इस दौरान पिछले डेढ़ महीने से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आपसे ई काउंसलिंग के द्वारा बातचीत करने के लिए और इस ई काउंसलिंग में विश्वविद्यालय के काफ़ी वरिष्ठ शिक्षक ने फेसबुक के माध्यम से ज्ञानवाणी के माध्यम से ज्ञान दर्शन के माध्यम से जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वहाँ पर भी जो हमारे प्रबुद्ध परामर्शदाता है उनके माध्यम से आप तक अपने काउंसलिंग सेशंस को जारी रखा है जिससे आप अपना शिक्षण कार्य भी घर से बैठ कर के कर सकें और हमें बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप ने इसको बड़ा प्रोत्साहित किया है और आप में से काफ़ी लोगों ने इस प्रक्रिया के तहत जो जानकारी प्राप्त की उसको रखा भी है बहुत से लोगों ने इसको शेयर करके अपने पास इस जानकारी को रखा है जिसको बाद में पुनः भी उसको सुन सकते हैं यू माइट बी नोइंग दैट वी हैव इंट्रोड्यूस दिस प्रपोजिशन ऑफ लाइव काउंसलिंग लाइव फेसबुक काउंसलिंग और थ्रू ज्ञानवाणी विच इज़ बींग टेलीकास्ट इन द ज्ञान दर्शन ऑल्सो एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट बिकॉज व्हाट्स एवर यू गेट द इंफॉर्मेशन दैट इंफॉर्मेशन यू कैन स्टोर इट एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन यूज़ इट वेर एवर द नीड एराइजेज एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सीनियर प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी द रीजनल सेंटर्स वेर ऑल्सो द सीनियर काउंसलर्स दल आर इंटरेक्टिंग विद यू थ्रू दिस मीडिया दट इज़ फेसबुक समटाइम्स टू गान वाणी एंड फाइनली द्ञान दर्शन ये जो तीनों ही मोड हमारे पास उपलब्ध है और कई बार आपको स्वयं प्रभा चैनल भी आप देख सकते हैं सो इग्नू इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विच वी आर हैविंग ऑल दीज फोर थिंग्स विद एस वी आर हैविंग ज्ञानवाणी वी आर हैविंग ज्ञान दर्शन वी आर हैविंग स्वयं प्रभाव ऑल्सो इग्नू ही देश विश्व का सबसे ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पर तीनों प्रकार के uh, सुविधाएँ उपलब्ध हैं ज्ञानवाणी भी उपलब्ध है ज्ञान दर्शन भी उपलब्ध है, है और स्वयं प्रभा भी उपलब्ध है इसके द्वारा जो ज्ञान का सीमित भंडार है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं द अनलिमिटेड द नॉलेज स्टोर विच इट दे आर हैविंग यू ऑल कैन यूज़ इट कम्फर्टेबली और अभी शायद आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी छात्रों के लिए ज्ञान दर्शन आ, के जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हज़ ऑल्सो इश्यूड ए नोटिफिकेशन दैट द स्टूडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश दे कैन सी द्ञान दर्शन प्रोग्राम्स ज्ञान दर्शन प्रोग्राम, प्रोग्राम बारह घंटे एक चलता है उसको रिपीट करते हैं दूसरे बारह घंटे में इट इज़ ए ट्वेंटी फोर आवर चैनल ट्वेल आवर्स एंड ट्वेल आवर्स और जो ज्ञान दर्शन है वो सुबह आठ से लेकर के शाम को आठ बजे तक है और जो स्वयं प्रभा चैनल्स हैं स्वयं प्रभा चैनल्स भी जो इग्नू के अपने चैनल्स हैं उसमें ह्यूमिनिटीज़ एग्रीकल्चर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ और टीचर एजुकेशन इन चारों ही क्षेत्रों में पुराने वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं और प्रतिदिन चार घंटे लाइव और उसको पाँच बार रिपीट करते हैं ये भी चौबीस घंटे का चैनल्स है तो ये चार चैनल्स अलग हैं और ज्ञान दर्शन चैनल अलग है इसका आप बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं यू नो दैट ज्ञान दर्शन चैनल इट इज़ ट्वेंटी फोर आवर चैनल ट्वेल्व आवर्स प्रोग्राम इज एवरी डे एंड इट इज़ बिंग रिपीटेड इन अदर ट्वेल्व आवर्स ज्ञानवाणी इट इज़ द रेडियो प्रोग्राम एंड यू नो दैट एवरी डे वी आर हैविंग थ्री आवर्स द लाइव प्रोग्राम and it also uh, works from 8 a.m. to 8 p.m. Similarly, we are also having four Swayamprabha channels, and these four Swayamprabha channels, they look at the agriculture, the humanities, the teacher education, and state open universities. One more specific channel is there, Gyan Darshan. So you can use all these channels, and here also in uh, Swayamprabha channels, uh, four-hour video, दैट इज़ बिंग रिपीटेड फाइव टाइम्स इन अ डे सो रिपीटिशन इज़ देयर इफ़ यू मिस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गेट दोज थिंग्स लेटरॉन ऑल्सो उसी दिन उसी दिन आपको अगर कोई प्रोग्राम आप मिस करते हैं तो उसी दिन आपको दूसरा प्रोग्राम भी मिल जाता है uh, इसमें uh, आपको शायद ये भी मालूम होगा कि हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वे लगातार आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और आपके इंडक्शन uh, आपके परीक्षा आपके असाइनमेंट्स uh, इत्यादि के संबंध में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं यू माइट बी नोइंग दैट अवर रीजनल सेंटर्स दे आर कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल एंड दे आर ट्राइंग टू लुक एट योर ग्रीवानसेज विद रेस्पेक्ट टू एग्जामिनेशनस विद रेस्पेक्ट टू असाइनमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शंस एंड अदर थिंग्स एंड दे आर ऑल्सो कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल थ्रू देयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट विच दे आर हैविंग विद दैम जो भी उन लोगों के पास तकनीकी सहायता है उस तकनीकी सहायता के द्वारा आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं अभी शायद आपको मालूम होगा कि भोपाल जो रीजनल सेंटर ने जो भोपाल के परीक्षा केंद्र है उसके साथ मिल के एक वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज़म डेवलप किया है जो हर शुक्रवार को आपसे डायरेक्ट बातचीत करेगा इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रीय केंद्र भी इस दिशा में काम करेंगे जिससे आपसे बेहतर संवाद और बेहतर चर्चा हो सके यू माइट बी नोइंग दैट रिसेंटली द भोपाल रीजनल सेंटर इन कोलेबरेशन विद द आर ई सी ऑफ भोपाल दे हैव डेवलप्ड ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च ऑन एथ ऑफ मे एंड देर आफ्टर दे कैन इंटरेक्ट विद यू लाइफ टू लुक एट योर ग्रीवानसिस लुक ऐट योर इशूज़ एंड लुक एट योर कंसर्नस ऑन डे टू डे बेसिस सिमिलरली ददर रीजनल सेंटर्स दे आर ऑल्सो वर्किंग आउट देर ओन प्रपोजिशंस टू रीच टू यू इसी प्रकार से जो अन्य क्षेत्रीय केंद्र हैं वे भी आप तक इस दिशा में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं आपको शायद ये भी मालूम होगा कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस उसने अपने सभी कार्यक्रमों के लिए एक कंपोजिट मैनुअल तैयार कर रखा है जिसमें बी सी एम सी ए और पी जी डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशंस और सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे जो कार्यक्रम हैं उनके लिए वर्चुअल लैब्स और किस प्रकार से आप अपने परीक्षा व्यवस्था को अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को चला सकते हैं उसके लिए एक स्टूडेंट सपोर्ट मैनुअल भी बना रखा है उस मैनुअल को उन्होंने रीजनल सेंटर्स को भी भेजा है और आप तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है उनका अपने स्कूल का भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वे भी लगातार आपके संपर्क में हैं यू माइट ऑल्सो बी नोइंग दैट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इट हैज़ कम अप विद यूनिफाइड प्रपोजल फॉर ऑल द कोर्सेज एम सी ए बी सी ए द सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशंस for all these programs they have developed a comprehensive manual for student support and that is being sent to all the regional centers and they are also trying to reach to you all uh, through their own website they are also interacting with you on a regular basis apne website ke dwara bhi aap sabse baat cheet karne ka prayas kar sakte hain इसी प्रकार से यहाँ के बहुत से विषयों के लिए एक वेब बेस्ड एनेबलिंग सपोर्ट है वेब बेस्ड एनेबलिंग सपोर्ट उसके तहत भी हम लोगों के जो विभिन्न अध्ययनशालाएँ हैं वे आप तक पहुँचने का प्रयास कर रही हैं कि जो वेब आधारित जो एकेडमिक सपोर्ट हो सकता है उससे भी आप तक पहुंच सकें और आपसे बात कर सकें और इसमें स्कूल ऑफ़ साइंस भी और अन्य स्कूल्स जो इस दिशा में काम कर रहे हैं जैसे स्कूल ऑफ़ जर्नलिज्म है वे भी इस दिशा में आप आ, काम कर रहे हैं और आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं सो देर आर डिफरेंट स्कूल्स स्कूल ऑफ साइंस स्कूल ऑफ़ जर्नलिज़्म दे आर ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड इन ए बिग वे through web-based academic support and uh, this through that they're trying to reach you all uh, in a better way and uh, they're also sharing your concerns. Uh, finally, uh, the grievance redressal system, uh, you are sending your grievances the grievances are being addressed. It may take some time because the examination results some results they are pending we are trying to look into that also uh, because of the lockdown the uh, the scripts they could not come to us the results they could not be uploaded but even then we are trying to do it in the best possible way from our side and uh, we are trying to address our grievances also during this lockdown period also we are addressing the mails almost on a regular basis we are trying to address the issues and concerns which were raised at various forums ऑन रेगुलर बेसिस हम आपको अंत में ये भी बताना चाहेंगे कि जो आपके शंकाएं हैं जो आपके प्रश्न हैं जो आपकी कठिनाइयां हैं उसके संबंध में जो भी आपके संबंध में मेल आते हैं जो भी आपके संबंध में आ, चिंताएं आती हैं उन सभी चिंताओं का समाधान विश्वविद्यालय का जो ग्रीवांश सेल है और जो विश्वविद्यालय के अन्य विभाग हैं या जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वे सब मिल के आपकी उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कठिनाइयाँ जरूर हैं इन कठिनाइयों में कई बार जो प्रश्न पत्र के जो कापियाँ हैं वे कापियाँ नहीं मिल पा रही हैं जो कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते और उसके बाद उनको मार्कशीट बनवाना मार्कशीट नोट करना फिर भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास हुए हैं और काफ़ी लोगों के पेंडिंग रिजल्ट्स इस बीच में घोषित किए गए हैं उनको मार्कशीट्स भी अपलोड कर दी गई हैं चूँकि पोस्ट ऑफिस बंद है इसलिए आपको अलग से भेजने की दिक्कतें ज़रूर बनी हुई हैं लेकिन फिर भी आपके सारी चिंताओं से हम लोग जुड़े हुए हैं सारी चिंताओं से हम लोग वाकिफ़ हैं इसलिए इसमें भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको शायद ये भी मालूम होगा कि जो परीक्षा फॉर्म जमा करने की आपकी अंतिम तिथि थी वो पंद्रह मई थी उसको भी हम लोगों ने आपकी सुविधाओं को ध्यान में रख कर के इकतीस मई कर दिया है जिससे कि आप लोग अपने परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आप जमा कर रहे हैं मुझे मालूम है और फिर भी आ, उसके बाद भी हमने और तिथि पहले से ही बता दिया है क्योंकि अभी हमने पिछले हफ्ते ही हमने इसके संबंध में डेट बढ़ाई थी आ, आप लोगों के संबंध आप लोगों से कुछ लोगों ने ये चिंताएं व्यक्त की थी कि री एडमिशन के बारे में कुछ इश्यूज़ बने हुए हैं तो जो लोग पात्र लोग होंगे उनके लिए तीस अप्रैल पहले लास्ट डेट थी उसको भी बढ़ा करके इकतीस मई कर दिया गया है रीएडमिशन में अगर पात्रता होने पर जो री एडमिशन आप कर सकते हैं उसके लिए भी आप 31 मई तक आप अपने री uh, एडमिशन की व्यवस्थाओं को पूरा कर सकते हैं ऑनलाइन uh, भी व्यवस्थाएं हैं और अपने क्षेत्रीय केंद्रों से भी बात कर सकते हैं और प्रवेश जो विभाग है उनसे भी बात कर सकते हैं देर इज वन मोर इशू दैट इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म्स इट वॉज फिफ्टींथ ऑफ मे दिस वॉज एक्सटेंडेड टू थर्टी फर्स्ट ऑफ मे कीपिंग इन माइंड द कंसर्न्स एंड द इशूज विच यू आल आर कन्फ्रंटिंग सो द लास्ट डेट इज़ नाउ थर्टी फर्स्ट ऑफ मे सिमिलरली देर आर कंसर्नस रेज रिगार्डिंग द री एडमिशन इशूज दोज हु आर एलिजिबल फॉर विच वी हैव एक्सटेंडेड द डेट अप टू थर्टी अप्रैल नाउ दैट डेट नाओ वी हैव फर्दर एक्सटेंडेड टू थर्टी फर्स्ट मे इक्कीस मई तक हम लोगों ने उन तिथियों को बढ़ा दिया है जो री एडमिशन के तहत पात्र हैं उन पात्र लोगों को वे री एडमिशन भी ले सकते हैं आप सब अध्ययन करें चिंता बिल्कुल न करें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम लोग के अगले सूचना का इंतजार करें जिसमें हम लोग आपको परीक्षा की तिथियां बताएंगे जिसके तहत आप लोगों को परीक्षाएँ होनी हैं वेट फॉर सम मोर टाइम स्टे हैप्पी डोंट हैव मच एंग्जाइटी वी विल डेफिनेटली कम टू यू अगेन फॉर इन्फॉर्मिंग द डेट्स ऑफ और नेक्स्ट एग्जामिनेशन टिल दैट डोंट बी एंशियस स्टे हेल्दी स्टे सेफ आप सब स्वस्थ रहें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक यू